अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका। इंशाल्लाह ताला ठीक होंगे, हम भी ठीक है। मैं आज होम रूटीन में बना रही हूँ दोबारा आलू पालक, क्योंकि सब्जियाँ यही हैं सर्दियों की जो बनाई जाती हैं। आलू पालक बना लें, आलू मटर गाजरें बना लें, आलू मटर बना लें, आलू गोभी बना लें या गोश्त पका लें, यही होता है। आज हम बना रहे हैं आलू मटर ना आलू पालक। मैं पालक लेके आई हूँ देसी फूलों वाली। ये मैंने ऑयल डाल के रखा था और इसमें मैंने ये प्याज डाल दिया, गर्म हो गया ऑयल और ये मैंने प्याज उसमें शामिल कर दिया। आजकल हमारे मुल्क में गैस नहीं आती, गैस भी 12 बजे आती है, उससे पहले गैस नहीं आती। ये आई है हल्की हल्की, अब मैंने इसके ऊपर रख दिया कि जल्दी जल्दी ये पक जाए। प्याज भून के अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। साथ में शामिल करूँगी टमाटर और सब्जी मिक्स। तब तक भूनूंगी जब तक ये टमाटर डाल ना जाए अच्छी तरह। हल्का सा पानी का छींटा लगाया ताकि टमाटर अच्छी तरह डाल जाए। टमाटर आजकल आ रहे हैं थोड़े से सख्त, मौसम का करके सख्त आ रहे हैं जरा, तो उसके लिए जरा गलाना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। जब तक पानी का चिंता ना लगाओ तो ये गलते नहीं है। ये मैं कूटी हुई मिर्च पहले शामिल करने लगी हूँ 2 चम्मच। मैं पीसी ही मिर्ची शामिल करने लगी हूँ 2 चम्मच। हल्का सा पानी का छींटा लगाया ताकि ये गले ना मसाला। साथ में इसमें 1/2 चम्मच हल्दी का डाल रही हूँ। ये देखिए मसाला नीचे लगने लग जाता है अगर पानी का छींटा ना लगाया जाए। पानी भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अब मैं इसमें डालूंगी जीरा और ये थोड़ा सा साबुत मसाला। ये मैं आलू शामिल करने लगी हूँ ताकि इसे भून सकूँ। पहले मैं आलू भून लूँगी फिर इसमें शामिल करूँगी पालक। देखिए मसाले का कलर कितना प्यारा आया और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसकी। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ पालक। आलू मेरे अच्छी तरह भून गए, अब मैं पालक शामिल कर रही थी।
ये देखे पालक मैंने सारी डाल दी है। पालक मैं कल लेके आई थी और मैंने इसको अच्छी तरह साफ करके इसको काट के कल ही रख लिया था और आज सुबह धो के ही इसको रख दिया था कि ये नुचट जाए, सारी पानी इसका निकल जाए सारा। और ये देखें अब मैंने इसमें डाल दिया और इसने पानी भी छोड़ दिया अपना। अब मैं इसको ढांप दूंगी ताकि आलू इसमें गल जाए। ये मैंने एक तरफ चूल्हे के सालन रखा और दूसरी तरफ रोटी बना रही हूँ क्योंकि गैस थोड़े टाइम के लिए आती है और जल्दी वापस चली जाती है, इसलिए ये मैं रोटी भी साथ ही बना रही हूँ ताकि गैस के होते होते रोटी और हांडी दोनों बन जाए। देखिए रोटी सिक रही है, देखिए कितनी प्यारी रोटी पक रही, कितनी अच्छी बन रही है। देखिए रोटी तैयार है, बहुत मजे की बनी है रोटी। देखिए उसका कलर कितना अच्छा आया। रोटी सारी तैयार कर ली है मैंने, बना ली है। अब मैं सालन देखने लगी हूँ। पालक ने पानी छोड़ दिया और इसको अब मैं खुश्क कर लूंगी। आलू सारे गल गए हैं और इसको तेज आंच पे रखा है ताकि ये खुश्क हो जाए पानी। पानी इसका खुश्क हो गया पालक आलू का। अब देखे घी छोड़ दिया उसने। अब मैं इसमें शामिल करूंगी गरम मसाला। और मैं साथ ही इसको डिश ऑफ करके दिखाती हूँ आपको। बहुत मज़े की बनी है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखें कितनी मज़ेदार बनी है और देखिए कितनी खुशबू अच्छी आ रही है। इस पालक की अपनी ही बात है, ये है मैंने देसी पालक ली। बहुत मज़े की बनी है। और आप हमारे होम रूटीन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स दें। खुश रहें, खुशियां बांटें। अल्लाह हाफिज़।